कभी किसी रेस्टोरेंट या घूमने की जगह उसे ले जाना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई और प्यार की नज़रों से ना देखे, लगा उसे पता होगा। मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं था, तो मेरा उससे अलग हो जाना उसे अच्छा लगेगा, लगा उसे पता होगा। एक बार टूट कर फिर से प्यार करना, लगा सच्चा होगा। ना मैं नासमझ ठहरा, लगा कमबख्त दिल तो अभी बच्चा होगा। आई बिलोंग टू बिहार, सो वॉट इज़ द मैंटेलिटी ऑफ बिहार, सो उसके हिसाब से मैं सुना रहा हूँ कि बिहार के लोगों को प्यार के इजहार करने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो जल्दी शेयर नहीं कर पाते, इजहार नहीं कर पाते। और एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो बहुत सिंपल लिविंग वाला है, और वो किसी एक सिंपल लड़की से कुछ छोटी छोटी डिजायर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, वो सुनाना चाहता हूँ। कविता का टॉपिक है कि अधूरी कहानी पूरी करोगी क्या। सुनो तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी क्या, सुनो तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी क्या। मेरा मन था कि मैं किसी सीधी सी अनजान लड़की को देखूं, मेरा मन था कि मैं किसी सीधी अनजान सी लड़की को देखूं, मेरी अनकही अनसुनी बातों को किसी को जान कर कहूं। मुझे संगीत की धुन कोई और सुनाए, मुझे कोई अपने हाथों से माँ के बाद खाना खिलाए। सुनो तुम मेरी इन ख्वाहिशों को पूरी करोगी क्या, सुनो तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी क्या। मेरा मन था कि मैं किसी मोरनी सी खूबसूरत परी को मिलूं, मेरा मन था कि मैं किसी मोरनी सी खूबसूरत परी को मिलूं, उनके फैलते पंख को अपने हाथों से छूं। मेरे भोलेपन का मतलब कोई मुझे बताए, मुझे कोई अपने गोद में माँ के बात सुलाए। सुनो तुम मेरी इन नटखट बातों को समझ पाओगी क्या, तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी कर पाओगी क्या। मेरा मन था कि मैं किसी को तुम कहकर हक से बुलाऊं। बिहार में मोस्टली अपनी रिस्पेक्ट ऐसे लेवल से होती है कि अपने से प्यार करने वालों को आप कहकर बोलते हैं, और आप यदि लड़की हो तो आपको तुम कहकर बोलते हैं, एक हक सा जमाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें लिखा है मैंने कि मेरा मन था कि मैं किसी को तुम कहकर हक से बुलाऊं, अपनी दर्द की थकावट उसको खुद से सुनाऊं। मेरे बाहर से घर आने पर चौखट पर दौड़ कर आए, मेरे सर पर हाथ रखकर लोरी कोई माँ के बात सुनाए। सुनो तुम मेरी इन नादानियों को संभाल पाओगे क्या, तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी कर पाओगे क्या। और ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें जो पोइट्री की समरी है वो आपको फील होगी। और ये स्टोरी ऐसा है कि जो स्टार्टिंग से किसी से प्यार कर रहे हैं और अंत तक वो उसके साथ रहे, तो कहते कविता लाइन है कि मेरा मन था कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँ, मेरा मन था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ कोई मेरी चिढ़ते आवाज़ों को सह पाए। मेरा बचपन से मैं कैसा हूँ ये कहानी कोई कह पाए, मेरे टूटे चश्मे मेरा सहारा लाठी और मेरी ईश्वर की जप्ती माला कोई मुझे दिखाए। मैं मर जाऊँ तो मेरी अकड़पन की कहानी सबको कोई बतलाए, ये सब नखरे तुम सच में उठा पाओगे क्या, सुनो तुम मेरी अधूरी कहानी पूरी कर पाओगे। ये कविता ही मैंने लिखा था, और एक पोइट्री है, यदि सुनाने की इजाज़त होगी तो मैं सुना सकता हूँ। लगा उसे पता होगा, ब्रेकअप हो चुकी है और ये स्टोरी उसको बस डेडिकेट कर रहे हैं। क्या कहता मैं उससे टूटा हूँ, लगा उसे पता होगा। प्यार करता था वो भी करती होगी, लगा उसे पता होगा। मेरी आंखों की नमी देखकर लगा उसे पता होगा, मैं टूट कर जुड़ा था उसे, उसे लगा पता होगा। रिश्ते तो दोनों का था फिर मैं अलग क्यों रह गया, मनाने की कोशिश तो की थी हमने, लगा उसे पता होगा। शायद उसे देख कर कभी खूबसूरत नहीं कहा, शायद उसे देखकर कभी खूबसूरत नहीं कहा, लगा उसे पता होगा कि खूबसूरत को क्या खूबसूरत कहना, लगा उसे पता होगा। सताने के बदले जताने की कोशिश नहीं की कभी हमने औरों की तरह, सताने की आदत उसे अच्छी लगेगी, लगा उसे पता होगा। उससे दूर होते वक्त उसे कभी मिस करता हूँ, ये कभी नहीं कहा उसे, क्या पता उसको भी मेरे जैसा पागलपन हो जाए, लगा उसे पता होगा। लास्ट पैराग्राफ है कि कभी किसी रेस्टोरेंट या घूमने की जगह उसे ले जाना मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई और प्यार की नज़रों से ना देखे, लगा उसे पता होगा। मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं था, तो मेरा उससे अलग हो जाना उसे अच्छा लगेगा, लगा उसे पता होगा। एक बार टूट कर फिर से प्यार करना, लगा सच्चा होगा। ना मैं नासमझ ठहरा, लगा कमबख्त दिल तो अभी बच्चा होगा। थैंक यू एवरीवन।